नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 सितंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम में छात्रों से नहीं लेगी कोई शुल्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पहले विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर होने वाले सेंटअप जांच परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रश्न पत्रों की आपूर्ति भी बिहार बोर्ड के स्तर से की जाएगी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होने वाली जांच परीक्षा की व्यवस्था प्रणाली को दर्शी और उत्कृष्ट बनाने की जरूरत है, ताकि इन परीक्षाओं की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो सके। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,77,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,457 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,77,355 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 61, अरवल में 25, औरंगाबाद में 18, बांका में 36, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 31, भोजपुर में 14, बक्सर में 20, दरभंगा में 19, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 55, गोपालगंज में 61, जमुई में 24, जहानाबाद में 24, कैमूर में 19, कटिहार में 41, खगड़िया में 26, किशनगंज में 25, लखीसराय में 24, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 25, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में 43, नवादा में 11, पटना में 255, पूर्णिया में 83, रोहतास में 31, सहरसा में 83, समस्तीपुर में 23, सारण में 10, शेखपुरा में 20, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 20, सुपौल में 76, वैशाली में 33, पश्चिमी चंपारण में 23। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब तक कुल मिलाकर 1,63,132 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 888 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कही अहम बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। हालांकि उनके जदयू दफ्तर पहुंचने से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो जदयू के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जदयू दफ्तर में मुलाकात के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू में एंट्री की खबर पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा है कि मैं यहाँ सबको शुक्रिया अदा करने आया था। जब उनसे पूछा गया कि किस पार्टी में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि मुलाकात के दौरान कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई है। डीएम ने राजनीतिक दलों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पटना जिले में धारा 144 लागू होने के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रवि ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता के पालन के बारे में बताया है। डीएम ने बताया कि जो आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पटना जिले की धारा 144 लागू होने के अलावा आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगी जारी। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाली है, जिसके तहत केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने अपनी वेबसाइट पर बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2020 को रिलीज करने के संबंध में महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन भरे हैं वो जल्द ही अपने प्रवेश पत्र csbc.bih.nic.in के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। साझा की गई जानकारी के अनुसार बोर्ड ने 18 अक्टूबर 2020 को 10 से 12 तक बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल प्रीलिम्स 2020 आयोजित कराने का निर्णय लिया है। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने खास अंदाज में लोगों से की अपील। बिहार की भोजपुरी और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने गानों के लिए मशहूर मानी जाती है। नेहा खुद ही गाने लिखती हैं और उन गानों में सरकार पर कटाक्ष भी करती हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने अपने नए गाने के तहत सरकार को दो टूक नसीहत दी है। हाल ही में नेहा के नए गाने बिहार में काबा ने खूब सुर्खियां बटोरी है। नेहा सिंह राठौर के गाए गाने ने चुनावी साल में राजनीतिक गलियारे में माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि गानों के जरिए लोगों की समस्या सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं किसानों की समस्या हो या गारी की बात, इन सब से जुड़े मुद्दों पर गाना देखकर नेहा ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें बाढ़, कोविड-19, बेरोजगारी जैसे हालात शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नई टीम का ऐलान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है, और यही कारण है कि भाजपा ने अपनी नई टीम से बिहार के कई नेताओं को बाहर कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। कई पुराने नेताओं की जगह नए लोगों को मौका दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और बिहार के विधान पार्षद संजय मयूख को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं राधामोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बिहार से आने वाले शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी को भी प्रवक्ता बनाया गया है।
पटना के नवेद्यम लड्डू अब मिलेंगे बिहार के कई शहरों में। अयोध्या के राम मंदिर में नवेद्यम में लड्डू भेजे जाने के बाद अब इस लड्डू की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और यही कारण है कि बिहार से पटना आए लोग इस लड्डू को बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए इस लड्डू का स्वाद बिहार के अन्य शहरों में भी भेजा जा रहा है। महावीर मंदिर प्रबंधन समिति ने यह फैसला किया है कि नवेद्यम लड्डू अब गया, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में भी भेजे जाएंगे। ऐसे में मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि नवेद्यम में इन जगहों पर कैसे उपलब्ध हो जाए इसकी योजना फिलहाल बनाई जा रही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ईशान किशन की। बाएं हाथ से बल्लेबाज करने वाले ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। ईशान एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर है। ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेलते नजर आए हैं। उन्होंने 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भी भारत की टीम के कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अब तक अपने क्रिकेट करियर में कई महत्वपूर्ण मैच खेले हैं, इतना ही नहीं उन्होंने बेहतरीन रन भी बनाए हैं। ईशान किशन ने IPL की शुरुआत गुजरात लॉयंस से की थी, हालांकि अब वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते नजर आते हैं। जदयू में सीट लेने वालों की मची होड़। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जदयू के दावेदारों की कतार लंबी नजर आ रही है। आलम यह है कि जदयू को 243 विधानसभा सीटों के लिए 3000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, क्योंकि जदयू ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने के लिए इच्छुक पार्टीजनों से बायोडेटा की मांग की थी। बायोडेटा पार्टी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजे जाने थे। हालांकि 500 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद बायोडाटा सौंपा था। वहीं कोई मुख्यमंत्री आवास जाकर बायोडेटा जमा कर रहा था, कोई राष्ट्रीय संगठन महासचिव RCP सिंह, तो कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को, तो कोई सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के यहाँ पर बायोडेटा जमा कर रहा था। हालांकि सभी बायोडेटा को लेकर पार्टी मुख्यालय भेज दिया गया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि एक नेता ने कई कई और एक ने 2 से 3 सीटों के लिए आवेदन कर दिया है। बिहार की बहुचर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल ने जदयू का साथ छोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को एक और करारा झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले के जदयू के महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऋतु जायसवाल ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी को जिम्मेदार बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। सीतामढ़ी जिले के जदयू अध्यक्ष राणा रणधीर सिंह को संबोधित पत्र में ऋतु जायसवाल ने लिखा कि तकरीबन 1 साल पहले जदयू के सदस्य बने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व के द्वारा दी गई प्रत्येक छोटी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पूरी निष्ठा से किया, मगर इस दौरान मैंने पार्टी से आंतरिक लोकतंत्र का बहुत अभाव महसूस किया। मतदाता जागरूकता मुहिम के तहत पटना एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग ने बनाया सेल्फी पॉइंट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं COVID-19 के माहौल में यह चुनाव करवाया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर भी चुनाव आयोग ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। पटना एयरपोर्ट पर आयोग ने होर्डिंग लगाकर जागरूकता मुहिम की शुरुआत की है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने की कोशिश की गई है। पटना एयरपोर्ट पर लगे सेल्फी पॉइंट आने जाने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग यहां सेल्फी खींचते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू को किया याद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को शिद्दत से बीते दिन याद किया, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके गांव श्राद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वैशाली जिला के महनार प्रखंड के पानापुर पहेली गांव पहुंचकर तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू को श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि रघुवंश बाबू के गुजर जाने से पूरे राजद परिवार में निराशा और मायूसी है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले राजद के पूर्व नेता रघुवंश बाबू ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। भाजपा और जाप कार्यकर्ता के बीच हुई हाथापाई पर तेज प्रताप यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गर्म होती जा रही है। कृषि विधेयक को लेकर सड़कों पर उतरे विपक्षी दलों के बीच हाथापाई अब देखने को मिल रही है। किसान बिल को लेकर विरोध करने के दौरान पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पटना में हाथापाई हो गई, जिस पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि तमाम जनमानस को सूचित किया जाता है कि बिहार भाजपा कार्यालय के पास से गुजरते वक्त अपने साथ लाठी डंडा जरूर रखे, अन्यथा कुटा जाइएगा। सुशासन भी वही रहेगा, लेकिन मूक दर्शक के रूप में। बिहार में ऐप वेब पोर्टल से अभिभावकों के लिए सजगता का ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ शुरू। बिहार समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय द्वारा अब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए वेब पोर्टल और ऐप के जरिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा तथा अभिभावकों के लिए सजगता का प्रशिक्षण जारी किया गया है। ICDS के निदेशक आलोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि ICDS कार्यक्रम के जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक संचालन में हमारी आंगनबाड़ी सेविका और महिला पर्यवेक्षिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। किस उम्र तक छात्र के दिमाग का कितना विकास हो जाता है, इसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा।
डाटा एंट्री ऑपरेटर मिशन मैनेजमेंट समेत अन्य पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी आगे। बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी ने DEO स्टेट मिशन मैनेजमेंट मिशन मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, जिसके तहत अब एक और पात्र उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बुधवार को आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर विजिट करना होगा। आपको बता दें, पूर्व अधिसूचना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 निर्धारित की गई थी, जिसे अब विस्तारित किया गया है। भर्ती के तहत दिए गए स्टेट मिशन मैनेजर फाइनेंस ऑफिसर समेत अन्य पदों की कुल 77 रिक्तियां भरी जानी है। उत्तर बिहार में बाढ़ ने लिया रौद्र रूप। जहां बाढ़ से अब लोगों को राहत मिलने लगी थी, वहीं लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न कर दी है। इसका असर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर पर समान रूप से देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी छोड़ने से आवागमन बंद हो गया है। इससे कई गाँव का संपर्क भी कट गया है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक, गंडक लखनदेई, बागमती और मनुष्यमारा के जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। गंडक और बागमती की पेटी में बसे जिले के करीब 2 दर्जन पंचायतों में बाढ़ एक बार फिर से परेशानी बनकर सामने आई है और आई और कटरा के लोग फिर विस्थापित होकर बांध पर आ गए हैं। अब कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दिखाए तेवर। बिहार विधानसभा चुनाव में अहम दावेदार माने जा रहे एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन सत्ताधारी एनडीए को टक्कर देने के पहले ही महागठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी जारी है। इस क्रम में अब कांग्रेस ने भी राजद को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में कमजोर नहीं समझे। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि राजद हमें कमजोर ना समझे, कांग्रेस को सम्मानजनक सीट चाहिए। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और दोनों सदस्य काजी निजामुद्दीन एवं देवेंद्र यादव का आगमन हुआ है। कांग्रेस कमेटी के 2 सदस्य बिहार यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लालू यादव ने ट्वीट कर सरकार को लिया निशाने पर। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगातार दूसरे दिन कविता के जरिए बिहार में राजनीति का बदलाव का आह्वान किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार और बिहार पर केंद्रित कविता को पोस्ट किया है। इस कविता में उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से लेकर कानून व्यवस्था सहित अलग अलग मुद्दों पर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने वोट से की गद्दारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने राज्य में हिंसा भरी जिसके राज्य में तंग है नारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने सबकी तरक्की मारी बदल दो उसको अब की बारी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पहचान बाहुबली या उसे संरक्षण देने की हो रही है, उन लोगों ने बिहार के किसानों का हमदर्द दिखाने के लिए बिना पढ़े समझे किसान बिल का विरोध शुरू कर दिया है। आरोप लगाया है कि जो विदेशी लग्जरी BMW गाड़ी का शौक रखते हैं और चार्टर प्लेन में केक काटकर बर्थडे मनाते हैं, राजधानी की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर किसान बनने का सियासी नौटंकी करने बैठे हैं, लाठी से तेल पिलाने वाले ना गरीबों को रोजगार दे सकते हैं, ना कभी किसानों का भला कर सकते हैं। बल का प्रयोग करने और किसी दल के कार्यालय पर लाठी डंडा लेकर पहुंचने से आपकी असली चरित्र सबके सामने आ गई है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राजद को लगा एक और करारा झटका। विधानसभा चुनाव आने से पहले दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। इसी क्रम में राजद को एक और करारा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार इलियास हुसैन के बेटे मोहम्मद फिरोज हुसैन ने राजद को इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव के पद पर तैनात इलियास हुसैन के बेटे मोहम्मद फिरोज हुसैन ने राजद को अलविदा कह दिया है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राजद पार्टी सिद्धांत से भटकने लगी है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। आपको बता दें, अलकतरा घोटाले में सलाखों के पीछे जाने वाले राजद के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पप्पू यादव ने किया घोषणा पत्र जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। पप्पू यादव ने, जन अधिकार पार्टी भी इसमें से एक है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जन अधिकार पार्टी ने बिहार में सबसे पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जारी किए गए जन अधिकार पार्टी की प्रतिज्ञा पत्र में छात्राओं, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिला और गरीबों के लिए बहुत कुछ ऐलान किया गया है, जिसके तहत पप्पू यादव ने दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में देने की घोषणा की है। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिन 65 प्रतिज्ञा रथों की झंडी दिखाकर रवाना किया है। गूगल मैप में अब COVID-19 हॉटस्पॉट के बारे में मिलेगी जानकारी। सर्च जॉइंट गूगल लंबे समय से COVID-19 के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। गूगल एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है, गूगल अपने मैप पर कलर कोडिंग लाने वाला है, जिसके बाद गूगल मैप्स पर लोगों को COVID-19 के हॉटस्पॉट के बारे में पता बताया जाएगा। इसमें अपडेट की जानकारी गूगल
ने ब्लॉक करके दे दी है। इसके साथ ही गूगल ने अपने ब्लॉग में कहा है कि गूगल मैप्स में कोविड 19 के विकल्प को टैप करने पर आपसे पिछले 7 दिनों में कोविड 19 के मामलों का औसत निकालकर कोविड 19 हॉटस्पॉट के बारे में बताया जाएगा। गूगल के मुताबिक यह औसत 1 लाख लोगों पर निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, अब सर्च रिजल्ट में कोविड 19 टेस्टिंग सेंटर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। एक बार फिर से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ सुन सकेंगे उनके फैंस। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं अब उनके गुजर जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी गमगीन है। एसपी बाला सुब्रमण्यम करीब 5 दशकों से अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों के दिल पर राज करते आए हैं। इनके लगभग 40,000 से भी ज्यादा गानों को अपनी आवाज उन्होंने दी है। इस समय सभी बाला सुब्रमण्यम को याद कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के संगीतकार ने बाला सुब्रमण्यम के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल एसपी बाला सुब्रमण्यम ने कोविड 19 प्रभावित होने से पहले रजनीकांत की फिल्म के लिए एक पैपी नंबर रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद सभी फैंस एक बार फिर से उनकी आवाज आसानी से सुन सकते हैं। कोलकाता ने दर्ज की अपनी पहली जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में कोलकाता ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। वहीं सनराइजर हैदराबाद को लगातार दूसरी हार नसीब हुई है। कोलकाता को महज 143 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 18 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। शुभमन गिल ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली और मोर्गन ने 29 गेंद पर 42 रन बनाए। 4th विकेट के लिए मोर्गन और गिल ने 92 रनों की साझेदारी की। नतीजा, सनराइजर हैदराबाद मुकाबला हार गई। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील नरेन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा ने क्रीज पर आते ही तेजी से बल्लेबाजी की। उन्होंने 13 गेंद में 26 रन बनाए। इसके साथ ही हालांकि नटराजन की गेंद पर एक गलती उन्हें भारी पड़ गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंदकिशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविन्द्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस को किस रणनीति के अनुसार चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।